नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी माध्यम गुजराती, चैप्टर नंबर 8 मुस्कान के मोती। तो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 8 मुस्कान के मोती એટલે કે मुस्कान। तो मुस्कान એટલે કે સ્મિત અને મોતી એટલે કે મોતી। તો કે સ્મિતના મોતી તેનું ગુજરાતી શું થશે? સ્મિતના મોતી। તો आपको पता है कि हमारे जीवन में मुस्कान यानी कि हर्ष्य जो स्मित तो के हर्ष्य कितना जरूरी है। हर्ष्य मनुष्य की जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध चिंता और जो क्षेत्रों को वो बगा देती है। तो साथ ही वह क्या करता है कि सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। कौन? तो के हंसी। तो हंसी चारों और भी हर्ष्यों को विपुल सामग्री में उपलब्ध है कि जो हंसी है वह आत्मा कक्षा, जो हमारी आत्मा कक्षा है वो सिर्फ इस बात की है कि हम उसकी पहचानना सीखे, हम उसको पहचानना सीखे कि मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं जिससे हम क्या कर सके कि हंस सके। तो कहते हैं कि जोरदार ठहाका यानी कि जो चुटकुला है वह तंदुरुस्ती के लिए एक सच्ची खुराक बन जाता है। कि जो चुटकुला है हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं कि हम खूब हंसते हैं। तो हंसना भी जरूरी है। क्या है कि हंसना भी जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन में हास्य का भी महत्व है। हम किसी भी टेंशन में होते हैं यानी कि हम चिंता में डूबे हुए, हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि हम हंसना भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें हंसना जरूरी है। हंसने की वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है वह बहुत अच्छा रहता है। यानी कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, राइट। तो हमें इस चैप्टर में मुस्कान के मोती के द्वारा कुछ चुटकुले दिए गए, तो हम यह चुटकुले पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके पुस्तक में दिया है पेज नंबर 45, 46, 47 पर। तो देखिए कि चिंटू कह रहा है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा। चिंटू क्या कहता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू कहता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो पिंटू कहता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज क्यों मारा चाटा? तो पिंटू कहता है, तो पिंटू क्या कहता है कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। क्या कहता है कि जो पिंटू से ते सु कहे छे कि ते राजू ने तमाचो એટલે કે તે રાજુને કે ચાટ્યો કે તમાચો માર્યો, ત્યારે શું કહે છે પિન્ટુ કે 15 દિવસ પહેલા એને મને હિપ્પોપોટેમસ કીધું હતું। તો ચિંટુ કહે છે કે એને 15 દિવસ પહેલા કીધું હતું, તો તેને આજે કેમ તે માર્યો? તો શું કહે છે કે મેં કાલે જ હિપ્પોપોટેમસ સર્કસમાં દેખ્યો, તો એ હિપ્પોપોટેમસ દેખ્યો અને એને યાદ આવ્યું અને એને તમાચો માર્યો। आगे है पति पत्नी। तो पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। तो पत्नी कहती है कि वह कैसे? तो पति कहता है कि देख, मैं एक नई किताब खरीद कर लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 कहीं के। तो पत्नी कहती है कि हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आहे। सुखे छे पति के हवे हूँ आज की भूलक्कड़ नहीं रहू, એટલે કે હું હવે ભૂલક્કડ નહીં રહું, મને બધું જ યાદ રહેશે। ત્યારે પત્ની કહે છે કે કેમ, કેવી રીતે? તો પતિ કહે છે કે દેખ, હું આ એક નવી પુસ્તક લાવ્યો છું જેનું નામ છે કે યાદ રખને કે 1000 દહી કે। તો પત્ની કહે છે કે હાય રામ, એટલે કે આ શું, આ કીધું તમે કેટલી વાર લાયા છો? તો કે 10મી વાર પુસ્તક લાયા છે તો પણ તેને યાદ નથી કે આ પુસ્તક હું લઈ આવ્યો છું।
तो देखिए वो अच्छे गुलक्कर। आगे है भिखारी, तो भिखारी कहते हैं एक रुपया दे दो साहब। तो भरत कहता है कल आना, तो भिखारी कहता है कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। सुके जे भिखारी भिखारी हो जे, ते भरत ने कहे जे कि एक रुपया इतने के एक रुपया आपको साहेब। तो भिखारी सु कहे जे भरते की ठुके काले आवजे। तो भिखारी कहे जे कि काले आवाना चक्कर मा आ मोहल्ला आ फेरी मा मारा कितना रुपया, तो के लाखों रुपया फसाई गया छे। के क्योंकि आपरा घरे पर कोई भिखारी आवे छे तो आपणे एने सु कहिए छे कि आगळ जईने आओ, के पछी आओ, के काले आओ, जेवो आपणे एने आंसर आपता होईए छीए। तो सु कहे छे कि काले आवाना चक्कर मा आ फेरी मा मारा लाखों रुपया फसाई गया छे। आगे है शिक्षक, तो शिक्षक कहते हैं रमेश 15 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। तो रमेश कहता है गुरुजी 0 निकाल दीजिए। सुके जी के 50 माथी आपने कितना कढ़ी रखे, तो 5 रहे, तो 50 माथी 5 आपने शु करवाना है जे माइनस करवाना है जे। तो रमेश सुके जी गुरुजी 50 में से 0 निकाल दीजिए, अगर 50 में से आपने 0 निकाल दिए ये तो कितने रहेंगे। हाँ देखा क्या आंसर देता है। आगे है सुनील, तो सुनील कहता है मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलिया गिनते हैं कि कहाँ कम तो नहीं। तो गीता कहती है कि मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलिया जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। तिली यानी कि सलाई। एक सुनील ना पिताजी जे कि जे माचिस ने डब्बी लावे छे, माचिस એટલે કે દીવાસળી, તો કે દીવાસળીની ડબ્બી લાવે છે તો તેને ચેક કરે છે કેવી રીતે, કે ગણે છે કે આમાં એક સળી ઓછી તો નથી। પણ જે ગીતાજીના પિતાજી છે તે શું કરે છે કે બધી જ માચિસ એટલે કે બધી દીવાસળીની એક એક સળી તે બાળીને દેખે છે કે એક કોઈ સળી ખરાબ તો નથી। બધી જ સળી બાળી દે તો શું ડબ્બામાં એક પણ સળી રહે નહીં। તો દેખો કેવા છે ચૂપકુલા, મજા આવે છે ને। ચલો આગળનો આપણે દેખીશું। આગળ છે સુરેશ ઓર મહેશ, તો સુરેશ કહેતા હૈ કે યહ ટાયર કૈસે પંચર હો ગયા। તબ મહેશ કહેતા હૈ એક કાચ કી બોટલ પર चढ़ गया था। तब सुरेश कहता है कि क्या तुम्हें बॉटल नहीं दिखाई दी। तो मनीष कहता है क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी कि जो मेरी कार से नीचे आ गया। सुरेश कहे छे क्या टायर के रीते पंचर थे गयो। तो मनीष कहे छे कि एक कांच ने बॉटल पर चढ़ी गयो। तो सुरेश कहे छे क्या ते आ बॉटल नहीं देखी। महेश कहे छे कि શું કહું તને યાર, આ બોટલ તો તેના ખિસ્સામાં હતી જે વ્યક્તિ મારી ગાડીની નીચે આવી ગયો। ચલો આગે આપકો ચિત્ર દિયા હૈ કે આપકે જૂતે બહાર નિકાલ લીએ। તો આપ દેખ સકતે હો ચિત્ર મે કે વહાં પે પોસ્ટર લગાયા હૈ કે આપકે જૂતે બહાર નિકાલે, લેકિન જો એ આદમી હૈ વહ મંદિર મે नमस्कार प्रणाम कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपने जूते तो पहने हैं, लेकिन जूते के पहने जूते को ऐसे देख सकते हैं कि आप कैसे वो लेटा हुआ है। उसने जूते नहीं निकाले हैं, जूते बाहर है और वो प्रणाम कर रहा है। दूसरा चित्र दिया है कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में क्या है दर्द है, पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ
इलाज कीजिए। तो डॉक्टर साहब तो चौंक जाते हैं कि है वो क्या कहता है कि मेरे 10 सिर है, 10 सिर में से 1 सिर में दर्द है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द हो रहा है। तो आप भी कुछ करिए। आगे है, आपको चित्र दिया है कि हाथी है, हाथी में लड़का जो है वो खड़ा हुआ है। तो हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा, वो क्या कर रहा है? शीर्षासन। तो अब हाथी की बारी। तो हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है, तो आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए कि ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। तो ये चित्र बनाया गया है कि हाथी के ऊपर आदमी शीर्षासन करता है, लेकिन क्या आदमी के सिर पर हाथी शीर्षासन करता हुआ देखा है आपने? नहीं। तो आप लोग क्या करें कि जो आपकी पुस्तक है वो उल्टी कर ली कि हाँ, तो अब उल्टी की ना, तो देखो क्या हो रहा है कि लड़का है और लड़के के सिर पर हाथी शीर्षासन कर रहा है। देखा कैसा चित्र है? हाँ। तो हमने आज क्या पढ़ा? चुटकुले यानी कि जोक्स। तो बहुत अच्छे चुटकुले थे, हमें बहुत मजा आया, राइट? तो आप अपने आपने जो सुना हो वो चुटकुला आप घर में सुना सकते हैं। चलो सबदार देखे तो कि चाटा यानी तमाचा, भुलक्कड़ यानी बहुत भूलने वाला, तरीका यानी उपाय, तीर यानी कि शलाई। तो चलो विद्यार्थी अब हम इस चैप्टर का अभ्यास करें। तो विद्यार्थी मित्रों अभ्यास, तो अभ्यास में प्रश्न नंबर आपको 1 दिया है कि इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो यानी क्या कहा है कि जी आपने आज चुटकुला जो आप साप्या छे तेने बेलेनी टुकड़ी में भाग भागी दो એટલે કે વેચી દો અને તેનો અભિનય સાથે તમે પ્રસ્તુત કરો, એટલે કે તમારે આનો અભિનય કરવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 2 હે કે આપને સુને હુએ મજેદાર ચુટકુલે સુનાઈએ। ક્યા કહા હે કે જો આપને જો ચુટકુલે સુને હે યે આપકો આતે હે વો આપકો સુનાના હે, તો આપકો આપ કિસી કો ભી સુના સકતે હો, રાઈટ? ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 3 હે કે ઉદાહરણ કે અનુસાર એક શબ્દ बना। तो आपको दिया है उदाहरण में कि शिक्षक हेतल मिठाई नहीं खाते, इसमें हेतल क्या है? तब छात्र क्या कहता है? मूर्ख। क्या है? मूर्ख। चलो पहला है कि माँ बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया, तब बेटा कहता है कि चल कर। क्या कहता है? चल कर। तो हम क्या लिखेंगे? चल कर। चलो दूसरा है दुकानदार, तो कि आप कब से यहाँ पे खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहक क्या कहेगा? मौका। क्या कहेगा? मुझे मौका चाहिए। तीसरा है न्यायाधीश, तो कि बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर क्या कहता है? क्या कहेगा? ताला। क्या कहेगा? ताला। आगे 4 नंबर पर है कि एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और उसने भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। तो डॉक्टर कहता है यह आदत आपको कब से है? तो भुलक्कड़ क्या कहेगा? तो हम क्या लिखेंगे खाली जगह में? कि याद नहीं, उसे याद नहीं है, है? चलो आगे है प्रश्न नंबर 4। क्या है कि निम्न होसोंगे फिर भी होसोंगे, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। तो क्या आप होसोंगे फिर भी होसोंगे? तो आपको क्वेश्चन दिया है 1 कि क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो, हाँ या ना? तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो, तो हाँ कहेंगे तो भी हम फंसेंगे, ना कहेंगे फिर भी हम फंसेंगे। चलो तो क्या आएगा? ना। क्या तुम अकेले ही पागल हो?
ओके ना, क्या जवाब आएगा? ना। तीसरा है कि मेरे दिए हुए, क्या है कि मेरे दिए हुए 500 रुपए खर्च कर दे, तो के हाँ, क्या जवाब हम लिखेंगे? हाँ। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या हमें हर प्रश्न और हर जगह पर घुसे रहना चाहिए, कारण सही बताइए। क्या हर प्रश्न में कारण हो, हर प्रश्न और हर जगह पे घुसते रहना चाहिए, कारण बताइए, क्यों कारण के बिना आप लोग घुसते ही रहोगे? नहीं, तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो कि हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो, हमारा व्यवहार प्रसंग अनुकूल होना चाहिए, हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता है, अशिष्टता है और पागलपन का सूचक है, हम कोई कारण ही नहीं होगा, कोई हंसने वाली बात ही नहीं होगी, फिर भी हम कोई जगह जाए पर वहां हंसते ही रहेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? पागल। ये हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सोच विचार कर अगर हंसने वाली बात है तब भी हमें हंसना चाहिए। चलो आगे है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है आपकी पुस्तक में, आप देखिए क्या है कि आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा, तो यही तो चुटकुला है, तो ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुला के रूप में लिखिए। अगर आप कोई आपके जीवन में कोई प्रसंग ऐसी भी कोई ऐसा कोई प्रसंग बना होगा कि आपको आपकी बात पर किसी ने हंसा हो या कुछ बोला हो, तो ये चुटकुला हो गया होगा, तो आपको वह लिखना है। चलो मैं बताती हूँ कि दादाजी क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते हो? तो राजू कहता है कि आजकल बहुत कम आता हूँ। तब दादाजी कहते बहुत कमाते हो, यह तो बहुत अच्छी बात। राजू ने क्या कहा कि आजकल बहुत कम आता हूँ, लेकिन दादाजी ने क्या सुना? कमाता हूँ। तो क्या कहते हैं? बहुत कमाते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि कमल है, तो कि देखो बिजली आ गई। तो दादी जी कहती है कि इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया, दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। कमल ने क्या कहा? बिजली। लेकिन दादी ने गलती से क्या सुन लिया? बिल्ली, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, आपकी पुस्तक में देखिए कि भाषा ही एक खूबी है, अनेक अर्थी शब्द के विभिन्न अर्थ का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। तो आपको उदाहरण दिया है कि शिक्षक छात्र और सोना। तो शिक्षक कहता है कि लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तब छात्र कहता है क्योंकि यहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। सोने की लंका क्यों? तो कि वो सोने की थी, गोल, सोना यानी गोल। लेकिन जो छात्र है वो क्या कहता है? कुंभकर्ण सोने वाले, यानी कि वो समझता है सोना यानी कि नींद। तो सोना तो कि धातु है, संज्ञा है, और जो सोना है वो निंद्र अवस्था क्रिया। तो इसी तरह आपको दिया है बस, उत्तर और कर। तो बस का हम पहले देखे तो पिताजी कहते हैं बेटा क्या थक गए? थोड़े ही और चलना है। तब बेटा कहता है पिताजी अब और नहीं बस। पिताजी बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना होगा। तो जो बेटा है बस यानी कि मैं नहीं आगे चल सकता, बस इतना ही चल सकता हूँ। लेकिन पिताजी क्या मानते हैं कि वो बस की बात कर रहा है जिसमें हम बैठते हैं। दूसरा है उत्तर। तो दादाजी कहते हैं अपने 4 वर्ष के पोते से कि तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो, उत्तर यानी कि जवाब।
तो पोता कहता है, दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? क्या कहता है कि क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? उसने क्या मान लिया कि दिशा उत्तर दिशा। चलो तीसरा है कर। तो पति कहता है, देखो सरकार ने आदमी पर कर बढ़ा दिया, कर यानी कि टैक्स। तो पत्नी कहती है, सरकार का और काम ही क्या है, यहाँ जहाँ जाती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है। यहाँ पे कर यानी कि टैक्स की बात की गई है और जो पत्नी है वह कर यानी कि अर्थ की बात वह मान रही है। तो कैसे और एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं ये हमें यहाँ पे दिया है, राइट? तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। चलो आगे है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि उदाहरण के अनुसार शुक्ल की पूर्ति कीजिए। क्या दिया है आपको? उदाहरण दिया है। तो उदाहरण के अनुसार आपको चुटकुले की पूर्ति करनी है। तो पहला है कि मालिक तू बहुत बड़ा गधा है। क्या नौकर कहते हैं कि तू बहुत बड़ा गधा है। तो नौकर कहता है कि ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे, मालिक बड़े तो आप है। मालिक ने कहा कि तू बड़ा गधा है, लेकिन तू बड़ा गधा है। तब नौकर क्या कहता है, बड़ा मैं नहीं, बड़े तो आप है। चलो आगे पहला दिया है कि पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। तो पहला आदमी, हटो बेचने से मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरा आदमी कहता है कि रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो यानी पहले ने कहा कि मैं गधे को रास्ता नहीं देता, लेकिन दूसरा क्या कहेगा, मैं तो देता हूँ। तो उस खाली जगह में क्या आएगा, देता हूँ। चलो दूसरा है, न्यायालय में दो वकील। तो पहला वकील कहता है तू गधा है, दूसरा वकील कहता है तू तो बड़ा गधा है। तब पहला वकील कहता है तू बहुत बड़ा गधा है। तब न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ, मैं भी खाली जगह। तो क्या कहता है कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। तो उस खाली जगह में हम लिखेंगे कि यहाँ बैठा हूँ। तीसरा है लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। तो लड़का कहता है कि जी मैं भी नहीं चाहता, इसलिए तो खाली जगह। तो वो क्या कहेगा कि मुझसे शादी कर दीजिए। तो खाली जगह में आएगा कि मुझसे शादी कर दीजिए। आगे 4 नंबर पर है योगेश, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तब रमेश कहता है, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। तो योगेश के यार तो चुप कर, मैं कुत्ते से ही। तो क्या आएगा खाली जगह में, पूछ रहा। आगे है सामने से गधे आते देखकर पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो पत्नी कहते हैं, जी हाँ रिश्तेदार तो है, पर चुप हो, आपसे शादी करने के बाद ही। तो खाली जगह में क्या आएगा, करने के बाद ही। चलो आगे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग शब्द शब्द चुनकर उसे शब्द को उसके क्रम में रखिए। तो कहानी आपको दी है, देखिए कि एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकारी के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा, तो कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई, तो थक हार कर उसने खरगोश को पीछा करना छोड़ दिया। तो तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा कि एक छोटे से खरगोश ने गर्मी तुमने पछाड़ दिया। तब कुत्ते ने सलाह से जवाब दिया कि महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था और वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। तो सचमुच जीत के कर
कई कारण होते हैं, सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या करना है कि अलग अलग सारे शब्द लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए है, पहला है कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांप, चरवाहा, दौड़, जी। क्या है कि कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांप, चरवाहा, दौड़, जी। तो ये मैंने सारे शब्द उस कहानी से लिखे। तो हमें इस कहानी में जो हमने सारे शब्द लिखे फिर उसको क्या करना है कि शब्द को उसके क्रम में रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे शब्द को उसके क्रम में लिखा है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या आएगा, कुत्ता। दूसरे नंबर पर खरगोश। तीसरा है चरवाहा। आगे है जीप। आगे है दौड़। और आगे है शिकार। और फिर क्या आएगा, शाह। तो ये मैंने क्या कर दिया कि शब्द को उसके क्रम में रख दिए, राइट। तो विद्यार्थी मित्रों आज हमने चैप्टर नंबर एक मुस्कान के मोती, जिसका हमने बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया, हमने कई चुटकुले देखे, बहुत मजा आया और हमने इस चैप्टर का अभ्यास और स्वाध्याय भी बहुत अच्छी तरह से सीखा। तो मुझे आशा है